नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के रामपुर महिहारण क्षेत्र का है। उमाही कला गांव के जंगल में काफी युवक अवैध हथियारों को वायरल वीडियो में लहराते नजर आए, जिसको संज्ञान में लेकर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर युवकों की छानबीन करने पर चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वायरल वीडियो मामले में अभिमन्यु मांगलिक एसपी सिटी सहारनपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ युवकों द्वारा गैंग बनाकर अपना खौफ और रोब दूसरे गैंग या अन्य युवकों में अन्य दहशत पैदा करने के चक्कर में वीडियो रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के तहत चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बीते रविवार में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक खेत में दिखाया जा रहा है कि 15-20 लोग हथियार असले लेकर चल रहे हैं। तो उसकी पूरी जांच की गई, विधिगत जांच की गई। उसमें पता चला कि वो उमाही कला थाना रामपुर क्षेत्र में, उमाही कला जो गांव है वहाँ की वीडियो थी। उसमें 15-20 लोगों की, जितने भी लोग थे उसमें ज़्यादातर लोगों की आइडेंटिफिकेशन कर ली गई है। उसमें से चार लोगों को आज गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से अवैध तमंचे या मस्कटी, अभी तक पूछताछ में बात पता चली है, इन्होंने छोटे छोटे गैंग बना लिए हैं अपने, और आपस में गैंग में एक दूसरे को अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं और ये वीडियो वायरल करके दूसरे गैंग को डराना चाहते हैं और वो चीज़ वायरल करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच गई है। शनिवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद से दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने पर राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन देश का आम आदमी अब प्यार की बात कर रहा है। इस यात्रा में हर राज्य के लाखों लोग शामिल हुए हैं। मैंने आरएसएस बीजेपी के लोगों से कहा है कि हम यहां आपके नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। और राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी की नीतियों पर डर फैलाने की है, इसे नफरत में बदलने की है, लेकिन हम जीतेंगे। फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ करने का बेहद ही संगीन मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला भीड़ में रोने लगी। महिला को रोता देख रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा महिला को रोता देख महिला द्वारा छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने वाले युवक पर भड़क गए। बता दें कि यह घटना फरीदाबाद के सिरोही में हुई, वहां पर हुई जहां से आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होनी थी। महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अगर आप बता रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, उस पार्टी की स्थिति क्या होगी आप जानते हो। और इस पार्टी का तो इतिहास रहा है, महिलाओं को तंदूर में काटकर पकाया जाता है, तो इसमें महिलाओं का सम्मान की हम उम्मीद नहीं कर सकते। राहुल गांधी की पैदल भारत जोड़ो यात्रा आज फरीदाबाद में प्रवेश कर गई। बता दें कि इस दौरान फरीदाबाद के उन रास्तों को पूरी तरह से पोस्टरों से पाट दिया गया, जिन रास्तों से राहुल गांधी को गुजरना है। कांग्रेस का हर नेता एक दूसरे से ज्यादा पोस्टर लगाकर राहुल गांधी की नजरों में भले आना चाहता हो, लेकिन इस दौरान फरीदाबाद में कांग्रेसियों का एक दूसरे पर पोस्टर वार होता नजर आया, जहां पर कई गुट आपस में बढ़े नजर आए। बता दें कि कुमारी शैलजा को, जो कि हरियाणा की पूर्व अध्यक्ष वही है, उनके पोस्टर पर ना तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का फोटो था और ना ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। यही हाल रणदीप सुरजेवाला के पोस्टर में भी देखने को मिला। देखिए, भारत देश पहले भी अखंड था, मजबूत था, और एक राष्ट्र हमेशा रहा है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस भारत जोड़ो की बात बात कर रही है, भारत तो श्रेष्ठ है, पूरी दुनिया में संगठित है, अखंड है और मजबूत है। और मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद तो देश और ज़्यादा मजबूत हुआ है। राष्ट्रभक्ति की भावना लोगों में कूट कूट कर भरी है। हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। भारत में चाइना से दूसरी बार कोरोना की दस्तक होने से लोगों में फिर से दहशत पैदा हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन अचानक दूसरी बार आए कोरोना ने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया।
हालांकि बिजनौर जनपद में ऑक्सीजन की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। प्लांट में कोरोना से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई है। सर क्या नाम है? अतुल कुमार अग्रवाल नाम है मेरा। कन्हैया ऑक्सीजन प्लांट है हमारा कहते हैं विसाठ में। अच्छा सर, तो पिछले कोरोना उसमें भी पूरी कहते हैं ताकत कहते हैं सबकी सेवा करी है, पूरा कहते हैं सहयोग करा, और इस बार भी कहते हैं पूरी कहते हैं ताकत के साथ कहते हैं सेवा करेंगे। खबर अक्सर से है जहां राजकीय डिग्री कॉलेज छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ा मुकाबला नजर आया। दोनों संगठनों ने अध्यक्ष सहित सभी 6 पदों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और दोनों संगठनों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां एक तरफ एबीवीपी के भी प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं पिछले कई सालों की परंपरा पर हर बार एबीवीपी की जीत रही है। मतलब कल है निर्वाचन की तिथि और हमारे यहाँ सीमित छात्र संख्या 281 कुल बच्चे हैं, फिर भी पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस वाले स्वयं साइट पर आए थे, विजिट कर गए, कहाँ कैसी व्यवस्था रखनी है उन्होंने उसको देख रखा है और मोबाइल इत्यादि को हमने प्रतिबंधित कर रखा है कल कैंपस में। उससे जो है वो दूसरी समस्याएँ पैदा होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी वो भी भंग होती है, तो हमने ये सारी व्यवस्था कर रखी है। और 8 बजे से 1 बजे तो मुद्दा ये है कि कैंटीन को लेकर फील्ड में उतरी है और जो भी है एनएसवाई ने मेरे को प्रत्याशी बनाया है इस बार अध्यक्ष पद हेतु के लिए, और तो जो मेरा भी कार्य है मैं उसको पूरा करूंगा जिस एनएसवाई ने जो मुद्दे बताए हैं और जो पिछली कार्यकारिणी हुई है यहाँ पे जो भी पिछला था एबीवीपी ने जो भी नहीं किया है वो कार्य का हमारा रखा जाएगा, बताया जाएगा सभी को कि सबको क्या क्या कार्य करने हैं। सभी प्रत्याशी मेरे साथ में खड़े हैं और सभी स्टूडेंट का मुझे समर्थन है और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो विकास कार्य नई कॉलेज में हुआ है वो इस बार जरूर होगा। 99% उम्मीद है कि एबीपी ही बनेगी और मतलब पहले से ही इस कॉलेज में प्रथा चली आ रही है कि एबीपी ही जीतती है हर बार और मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि एबीपी ही जीतेगी। मुझे पूरा मतलब 100% उम्मीद है कि हम ही जीतेंगे। खबर लक्सर से है जहां लक्सर स्वास्थ्य विभाग के बूस्टर डोज पर फोकस कर दिया गया है। साथ ही विभाग से वैक्सीन की डिमांड के साथ बूस्टर डोज से अछूते व्यक्तियों की डिटेल कलेक्ट की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि नए वेरिएंट से सावधान रहे। आपको बता दें कि नए वेरिएंट से जहां देश में हाई अलर्ट दिया गया है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे सभी व्यक्तियों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी है। साथ ही विभाग को वैक्सीन की डिमांड भेजी है ताकि लक्सर में एक अभियान के तहत सीएचसी और पीएचसी के साथ पंचायत स्तर पर बूस्टर डोज को लगाया जा सके। एसओपी जारी की गई है, उसे मेनली 3-4 चीजों में जोड़ दिया गया है। पहला तो फर्स्ट यही है कि मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ इलाकों से ज्यादा दूर रहिए। सेकेंडली आया है कि जो प्रिकॉशन डोज है जो लोगों को लगनी है उस पर जोर दिया गया, तो उसके उसमें हम डाटा का वो पूरा सर्वे कर रहे हैं और हमने डिस्ट्रिक्ट से डिमांड भी करी है कि हमें इतनी प्रिकॉशन डोज चाहिए और अभी बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही हम अपनी सीएससी पीएससी और सब सेंटरों में वैक्सीनेशन स्टार्ट करा देंगे प्रिकॉशन डोज का। कहूँगा कि जिन लोगों को अभी तक प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो वो सीएससी में आके एक नंबर हम डिस्प्ले कर देंगे कि उनसे पता कर लें कि कहाँ का वैक्सीनेशन है जिस कारण सब अपना तीसरा डोज ले लें। बीते दिनों हरियाणा के गृह मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के विरोध में आज गरियाबंद के ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से रैली निकालकर तिरंगा चौक में भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पुतला जलाया। मितेश शुक्ला के निर्देश में जिस प्रकार गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिस तरह अभद्र टिप्पणी किया गया उसी के आते हुए हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे क्रम में आज पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने एक युवक से 141 ग्राम स्मैक बरामद किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। खुलासे के दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है।
ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के क्रम में ये लगातार हमारी ये अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में ये कुंडा पुलिस को एक बड़ी सफलता कल हाथ लगी है। इसमें एक हमने अभियुक्त जो कि मोहम्मद का आरिफ है, इसको हमने गिरफ्तार किया है 141 ग्राम अवैध स्मैक के साथ, और ये मुरादाबाद का रहने वाला है। ये वहाँ से आकर यहाँ पर जसपुर और काशीपुर क्षेत्र में स्मैक बेचता था, वहाँ से कम दाम पे लाके यहाँ से ज़्यादा दाम पे बेचता था। तो इसके पास से साथ में एक अपाचे मोटरसाइकिल मिली है जो इसी के नाम पर रजिस्टर्ड है, साथ में इसका एक मोबाइल फ़ोन मिला है और 141 ग्राम स्मैक है। तो इससे आवश्यक पूछताछ करने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि पहले भी ये इस प्रकार यहाँ आता रहा है और ये इस प्रकार से काम करता है। बदलते मौसम के मिजाज ने अब उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। बढ़ती ठंड के कहर से राहगीरों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हमेशा की तरह नगर निगम प्रशासन ने बेसहारा और यात्रियों के लिए लकड़ियों का अलाव जलाने की मुहिम शुरू कर दी है और राहगीरों को ठंड का कहर सताने लगा तब से काशीपुर नगर प्रशासन चिन्हित किए गए जगहों पर अलाव जलाना शुरू कर देगा। अलाव की जहाँ तक स्थिति है, शीतलहर जब पड़ेगी तब जलाएंगे, तैयारी हमारी पूरी है। ऐसे जो है अलाव अभी नहीं जलाएंगे क्योंकि हर चीज़ की एक उपयोगिता होती है, उसका दुरुपयोग भी होगा। तो जिस समय भी शीतलहर पड़ेगी हमारे अलाव जल जाएंगे, चिन्हित स्थान हो चुके हैं। तो नगर निगम अपनी सेवाएँ जो आवश्यक हैं वो देगा, तत्पर रहेगा। खरगोन जिले में अवैध रेत उत्खननकर्ता इतने मजबूत हो गए हैं कि वे प्राकृतिक जल धाराओं में भी अवैध खनन करने से परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके इस मंसूबे को खनिज विभाग ने अपनी तत्परता और जिम्मेदारी से पूरा नहीं होने दिया। अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी को जब्त किया गया है। खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया, खनिज विभाग अधिकारी चौहान ने तत्काल अपनी टीम के साथ एक अन्य वाहन से महेश्वर तक पहुंचे। महेश्वर के जलकोटी के पास में अवैध उत्खनन की शिकायत एक मुखबिर से मिली। हम लोगों ने तत्काल अपनी टीम बनाकर यहां से महेश्वर पहुंचे और वहां से मोटरसाइकिल से सीधा घटनास्थल पर पहुंचे जो कि नर्मदा के किनारे और कुछ ही दूरी पर सरस्वती धारा से अवैध उत्खनन कर रही थी। जेसीबी को तत्काल हम लोगों ने जब्त किया और वहां पर बड़ा सा गड्ढा किया हुआ था और उसको हमने थाना महेश्वर की अभिरक्षा में रात में 1 बजे करीब रखा। सिक्किम प्रांत में एटा का लाल बलिदान हो गया। सेना के जवानों को बस पोस्ट पर लेकर जा रही थी तभी खाई में जा गिरी। 16 जवानों में एटा का जवान भी शामिल था। भूपेंद्र सिंह के बलिदान की खबर आने के बाद गांव में सभी दंग रह गए। अलीगंज क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह की तैनाती सिक्किम में थी। जवानों को सेना की बस पोस्ट पर लेकर जा रही थी, अचानक बस खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में जवान भूपेंद्र भी शामिल थे। देर शाम उनके बलिदान की खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया। भूपेंद्र की शादी 3 साल पहले हुई थी। भिंड एसपी के निर्देशन में लगातार रेत माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अवैध रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ चेकिंग पॉइंट लगातार रेत से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रोलियों को पकड़ा गया है जो रेत का ओवरलोड और अवैध परिवहन कर रहे थे। पकड़े गए सभी ट्रैक्टर ट्रोलियों को पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में रखवाकर कार्रवाई के लिए माइनिंग को सौंपा गया है, लेकिन अभी तक जिले में छोटी छोटी मछलियों को छोड़कर बड़े मगरमच्छ प्रशासन की पकड़ से बाहर है। जो अवैध रेत का प्रबंधन कर रहे थे, अवैध रूप से प्रबंधन करना पाया गया, उनके विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई की जाकर पहले पेश किए गए हैं। कार्रवाई सतत जारी है, जब भी कोई भी अवैध प्रबंधन पाया जाएगा खनिज के संबंध में उनके विरुद्ध कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।